बहुत सारे इश्यूज अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुने होंगे, ठीक है, वो सब जो हम पढ़ेंगे। जैसे गूगल ने अपने ऐप से कई सारे ऐप स्टोर से कई ऐप को हटा दिया, ठीक है। एक कैंसर का भी आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं उसे, सर्विकल कहते हैं कि सर्वाइकल अलग है, सर्वाइकल इज डिफरेंट, सर्विकल बोलते हैं। सर्विकल कैंसर का भी बहुत अभी इशू चल रहा था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो हमें कवर करने हैं। उसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट केसेस जो रिसेंट आए हैं तो उसको भी हम कवर करेंगे उसमें, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट से हमें कोई लेना देना होता नहीं है जब तक कि वो डायरेक्टिव स्टेटमेंट ना हो। जैसे पीएम मोदी है ना, बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, तो उस भाषण में से कुछ वर्ड्स को उठाना है जो हमें आंसर्स में यूज करना होता है। वो वर्ड्स नए होते हैं और आंसर राइटिंग में वो वर्ड्स मदद करते हैं, ठीक है। जैसे जब कोविड चल रहा था, वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, ठीक है ना। तो इस टाइप के वर्ड्स हैं जो हमें उठाने होते हैं, जो आंसर्स में लिखने होते हैं फिर उनको, ठीक है। तो देखेंगे अगर कुछ कंपाइलेशन ऐसा बन पाया कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो लास्ट टाइम पे वो प्रोवाइड कराएंगे हम, कि ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो पीएम मोदी ने अपने भाषण में बोले थे या इधर उधर से हमें सुनने को मिले। न्यूज में भी कई ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो नए हों, बड़े फैंसी से होते हैं, जो आंसर्स में यूज करें तो उनकी थोड़ी सी अगर हम कहें एस्थेटिक सेंस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है आंसर्स का, ठीक है। तो आंसर्स को खुद से सजाने में मेहनत कम करनी पड़ती है, आंसर्स अपने आप सजा देते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हमेशा होने चाहिए जो हम दुनिया से अलग लिख रहे हों, ठीक है। तो वो करेंगे, करें शुरू। पहला न्यूज है जीआई टैग के बारे में। एज सच सिर्फ नजर रखनी होती है जीआई टैग के ऊपर कि किसको जीआई टैग मिल रहा है, ठीक है। ये सिर्फ हमें नजर रखनी होती है क्योंकि कई बार लिस्ट दे देंगे, वो जीआई टैग्स कहां मिला है, किसको मिला है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है कहां का चीज, ठीक है। तो इसीलिए जहां पर वो जीआई टैग मिला है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो किस पर्टिकुलर रीजन से, वो चीज पता होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग में वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस सिर्फ उसका उतना हो जाता है। और उसके अलावा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि जीआई टैग होता क्या है, ठीक है, कैसे मिलता है, कौन देता है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे इसे कौन काउंटर करता है, और हमारे इंडिया में जीआई टैग को लेकर के इश्यूज क्या चल रहे हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाए, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्यादा। हालांकि एक दो आइटम और थे जीआई टैग में जो मैंने इंक्लूड नहीं किए, जो पिछले एक दो हफ्ते में मिले हैं, ठीक है। ये दो तीन थे जो मैं इसमें लिख के लेके आया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मजुली मास्क है और वहीं पर क्रोशे लेस क्राफ्ट है, ठीक है। ये आपके मास्क है, मजुली मास्क, और इस तरीके से ये बहुत ही ब्लर टाइप हो गया है, ठीक है। इसमें शायद फोटो में देखोगे तो ठीक से दिख जाएगा। ये गांव में भी वो सिलाई लेके नहीं सिलते, तो क्रोशे इज सिलाई, जो क्रोशे होता है, क्रोशे का मीनिंग ही होता है बेसिकली सिलाई। तो एक ही सिलाई से बुना हुआ ये मटेरियल होता है, वो दरी टाइप बना देते हैं या फिर सजाने के लिए भी हम कवर बना देते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल है जिसको मिला है जीआई टैग, और ये क्रोशे जो लेस क्राफ्ट जिसे मिला है ये आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में नरसापुर बेसिकली जगह है। मजुली मास्क और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, इस टाइप की पेंटिंग, ये हमारी आसाम से, इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग देते क्यों है, रीजन, किसी ज्योग्राफिकल प्लेस को और वहां पे होने वाली किसी स्पेशल चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। होता क्या है, कोई भी चीज फेमस हो जाएगी, जैसे सोम के समोसे फेमस हो गए, अब कोई भी हाईवे पे दुकान खोलेगा और उस पर लिख देगा सामने सोम के समोसे, ठीक है। लेकिन सोम के समोसे एक ही जगह मिल रहे हैं, है ना, तो पहचान कैसे हो। तो उस जगह की ओरिजिनलिटी को पहचान देने के लिए उनको जीआई टैग दे दिया जाता है, ताकि फॉरेन में अगर कोई आइटम जा रहा है तो वहां पे फॉरेन में भी, क्योंकि नाम सुना है, वो खरीदते उस नाम से हैं, लेकिन वो ओरिजिनल है कि नहीं, वो उस जीआई टैग से पहचान हो सकती है। ये जीआई टैग उस पहचान का काम करता है कि ये ओरिजिनल है और उसी प्लेस का है, ठीक है। तो जीआई टैग का ये काम होता है। उससे क्या हो रहा है, उससे
उसकी क्वालिटी की वजह से जो नेगेटिव जो न्यूज जाती है वो बंद हो जाएंगी, प्रमोशन होगा अपने आप ही, एक्सपोर्ट्स में मदद मिलेगी, और जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका इकोनॉमिकली बेनिफिट भी होगा। ठीक है, तो ये जीआई टैग के फायदे हैं जो हमें पता करने हैं, जो जीआई टैग होता क्या है और किस लिए दिया जाता है। तो जीआई टैग की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, जीआई टैग क्या है, डेजिग्नेशन अप्लाइड टू जीआई टैग जो बेसिकली डेजिग्नेशन अप्लाई टू प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द क्वालिटीज और रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इनहेरेंटली लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर रीजन, कि अगर हम वहां से बाहर उसको बनाएंगे तो जो क्वालिटी वहां पर हो रही है वो मैच नहीं कर पाएगा। जैसे आसाम दार्जिलिंग टी, वो एक जगह पे प्रोड्यूस होती है, टी बाकी जगह भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो वहां पर प्रोड्यूस हो रही है इसकी वजह से इनहेरेंटली उसके अंदर वो टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए उसे जीआई टैग दिया। इंडिया में फर्स्ट जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को, इंडिया में फर्स्ट जो जीआई टैग मिला था वो था दार्जिलिंग टी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो तरह के से दिया जा सकता है बेसिकली अगर हम जीआई टैग की बात करें। एक तो प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, पीजीआई जिसे हम बोल देते हैं, और दूसरा होता है प्रोटेक्टेड डेस्टिनेशन ऑफ ओरिजिन। इंडिया में सिर्फ पीजीआई या फिर प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सिर्फ ये मार्क दिया जाता है। पीडीओ वहां पर अगर हम देखें यूरोपियन नेशंस में, पीडीओ क्या है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पीडीओ इज बेसिकली कि उस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग से लेके एंड उसी पोजीशन पे हुआ हो, उसी जगह पे हुआ। लेकिन जब हम जीआई टैग की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो वहीं का हो, हो सकता है कि उस प्रोसेस में एक पार्ट वहां पर ऐड हुआ हो जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई हो, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई हो। ठीक है, अब जैसे हमने ये लेस क्राफ्ट देखा, हो सकता है धागा कहीं और से आया हो लेकिन वो बनाया गया है वहां पर, तो उस प्रोसेस में एक पार्ट हमने किया है, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उसके लिए देंगे। लेकिन पीडीओ उसके लिए मिलेगा जहां इनिशियल से लेकर लास्ट तक सारी प्रोसेस वही हुई हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इसके बारे में पता होनी चाहिए, और इसकी डेफिनेशन बेसिकली वैसे भी लिख सकते हो, नहीं भी पता है तो, किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में प्रोड्यूस होने की वजह से जो इनहेरेंटली किसी चीज में क्वालिटी आ जाए तो उसकी वजह से हम जो टैग देते हैं दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्लियर है? ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड हम WIPO होता है, वर्ल्ड WIPO के अंडर इसको हम करते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। ठीक है, ये एक बॉडी है जो पेटेंट जो हम कराते हैं ना, तो वर्ल्ड वाइड पेटेंट कराने के लिए बॉडी होती है। ठीक है, और वहीं पर इसी के अंदर एक ट्रिप्स एग्रीमेंट हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जीआई टैग वर्ल्ड वाइड दिया जाता है। इंडिया में इसी के लिए एक अलग से लॉ बनाया गया है जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। इंडिया में जीआई टैग को रेगुलेट करने के लिए हम इस एक्ट के तहत पर करते हैं। क्लियर, स्टेटस देखें, इश्यूज हमें पता लगेंगे कि इंडिया जीआई टैग में बहुत पीछे चल रहा है। जर्मनी में जहां 15,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं अंडर जीआई टैग, इंडिया में 550 के आसपास है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में उस क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बनते, सिर्फ ये है कि इंडिया का लॉ प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से इंप्रूव नहीं हुआ है, ओल्ड है, 1999 से हम एक ही लॉ के ऊपर काम करते आ रहे हैं। दूसरा, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सिंपल नहीं है। जिनको किसी एरिया का ये पता है कि ये फेमस है, उनको ये नहीं पता इसको जीआई टैग में वो भी कराना होता है, रजिस्टर भी करा लें तो इसका और ज्यादा फायदा मिल सकता है, कराते ही नहीं। और जो कराने चलते हैं वो प्रोसेस से डर जाते हैं, प्रोसेस इतना मुश्किल है। प्रोसेस को अगर हम देखें तो इंडिया में जनरली जितने भी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जाती है उनमें से सिर्फ और सिर्फ 46% को ये टैग मिल पाता है। तो शायद प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया जाए
तो और ज्यादा को मिलेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हमें पता होने चाहिए। ग्लोबली सबसे ज्यादा जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को मिला है तो 50% से भी ज्यादा वाइन एंड स्पिरिट्स हैं, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। वाइन एंड स्पिरिट 50% से ज्यादा ग्लोबली। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट मिले हुए हैं दैट इज हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, जिनको जीआई टैग हमने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आएंगे। ये कुछ डेटा प्रीलिम्स के लिए हमें पता होना चाहिए। तो जब इसको प्रीलिम्स के लिए आइडेंटिफाई करोगे तो ये दो चीजें आपको अलग निकालनी पड़ेंगी, बल्कि तीन। एक तो एक्ट का नाम, एक्ट का नाम, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया में सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिले हुए हैं, सेकंड नंबर पे क्या है, और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कौन है, ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो आपको अलग से लिखनी पड़ेंगी जब आप अपने नोट्स बनाओगे इसमें से। अदरवाइज ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी सारी चीजें, ठीक है। मेंस में इश्यूज क्या क्या है इंडिया में, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। 1999 में एक्ट बना था जो कि बहुत ओल्ड हो चुका है, आज की सिचुएशन के हिसाब से उसको इम्प्रूव नहीं किया गया है। जो इम्प्रूवमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं, चैलेंजेस को देखते हुए हमें उसमें चेंज करने चाहिए, लेकिन किए नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक्ट है ये ओल्ड है, पहला इशू। दूसरा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत मुश्किल है, इसको सिंप्लीफाई किए जाने की जरूरत है। ओनली 46% ऑफ द प्रोडक्ट्स गेट्स जीआई टैग, जो भी एप्लीकेशन जाती हैं उनमें से, ठीक है। वहीं पर गाइडेंस एंड सपोर्ट कोई बताने वाला ही नहीं है कैसे करना है, तो ऐसा कोई गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है। तो गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसर को सफर होता है, कोई और आके उसको टैग को ले जाएगा और जो ओरिजिनली उस काम को कर रहा था वो पीछे रह जाएगा। तो इसमें इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो फायदा उठा ले जाते हैं। डायरेक्ट प्रोड्यूसर को फायदा हो इसके लिए लॉज बनाए जाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि इंटरमीडियरीज उस फायदे को ना उठा पाए, ठीक है। देन उसके बाद जीआई एज सच कोई बड़ा टैग नहीं है, उससे ज्यादा तवज्जो अहमियत हम देते हैं पेटेंट को, कॉपीराइट एक्ट को, इन सबको। तो जीआई को भी उसी लेवल पे उतना ही इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है जितना हम पेटेंट्स को, कॉपीराइट को, इन सबको देते हैं, ठीक है। तो इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता। एंड लास्ट, एकेडमिक फोकस नहीं है। जीआई या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड सिर्फ 7 पब्लिकेशन इंडिया में एक साल में निकाली, तो एकेडमिकली कोई ध्यान नहीं दे रहा इस साइड। अगर हम रिसर्च पेपर्स की बात करें, रिसर्च पेपर्स भी 30-40 से ज्यादा नहीं है इंडिया में जो स्पेसिफिकली टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमने दिए हो, तो कैसे इंप्रूव होगा इस साइड में जब एकेडमिक्स ही काम नहीं कर रहा है ना। तो जब भी पॉलिसीज बनती हैं तो हमेशा जो रिसर्च होती है उन्हीं से ही इनपुट्स लेकर के पॉलिसीज बनाई जाती है। इनकी साइड कोई पब्लिकेशन तो तब होगा ना जब रिसर्च होगा, तो इस साइड कोई रिसर्च हो ही नहीं रही है, कोई स्कॉलर्स इस साइड काम ही नहीं कर रहे हैं, तो एकेडमिक्स लैकिंग है इस साइड में, ठीक है। तो क्या किया जाए, यही जो चीजें हैं इनको सुधार लो कि टाइमली चेंज कर दो, प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिवाइज करो ताकि जो नॉन प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, वो साइड हो जाएं, वो उस चीज का फायदा ना उठा पाए। वहीं टेक्नोलॉजी, स्किल बिल्डिंग, डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, ये तो हर जगह आप लिख सकते हो। और उसके अलावा कोलैबोरेट होना चाहिए ट्रेड एसोसिएशंस में, एकेडमिक्स में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ये कोलैबोरेशन भी जरूरी है। उसके बाद मीडिया के द्वारा उनका प्रमोशन हो ताकि पता लगे लोगों को, और इंडियन एम्बेसीज के लिए भी जरूरत है कि वो फॉरेन मार्केट्स में उनको प्रमोट करें ताकि वहां से डिमांड आए, एक्सपोर्ट्स बढ़ सके हमारे, ठीक है। और टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनानी चाहिए। टेस्टिंग लैब क्यों जरूरी है, ताकि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को वहीं चेक किया जा सके, फॉरेन से जाके वो रिजेक्ट होके ना आए। रिजेक्ट होके आता है तो नेगेटिव वाइब्स आती हैं, है ना, तो वहीं पर ही हम लोकल लैब्स बना देंगे तो
तो क्या होगा, क्वालिटी वही चेक करके एक्सपोर्ट किया जा सकेगा और रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, जो फेथ है उस प्रोडक्ट को लेके वो बना रहेगा। तो ये कुछ हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली न्यूज वॉज रिगार्डिंग GI टैक्स। सेकेंड न्यूज, ब्राइबरी एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्राइबरी को बोला गया है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में काउंट नहीं होता है। अभी आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पता नहीं होंगे। ठीक है, अंडर आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 एंड अंडर आर्टिकल 194, इसी में 89 ऐड कर दो, क्योंकि यूनियन से जब स्टेट में जाते हैं तो ऑलमोस्ट सभी में, ऑलमोस्ट सारे में नहीं, ऑलमोस्ट में 89 ऐड कर दो तो स्टेट में इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, 105 इज रिलेटेड टू प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और 194 इज रिलेटेड टू प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये कहते क्या है, इनका स्टेटमेंट क्या कहता है 105 और 194 का, कि कोर्ट्स विल नॉट इंक्वायर इनटू एनीथिंग दैट इज सेड एंड वोटेड अपॉन इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ भी चीज संसद के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कही गई हो या किसी भी चीज पे वोट डाला गया हो, उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसने गलत किया है सही किया। वो हर एक एमपी की, हर एक एमएलए की वो प्रिविलेज है, वो कुछ भी बोल सकता है और किसी भी रिगार्डिंग में वोट डाल सकता है। इसके लिए कोर्ट में कोई उसको नहीं घसीट सकता कि उसने ये कैसे बोल दिया या उसने ये वोट यहां पर क्यों डाल दिया, दूसरी पार्टी को क्यों डाल दिया, हमारी पार्टी को क्यों नहीं डाला। ये प्रिविलेज है, ये हर एक एमपी का प्रिविलेज है। तो राइट टू स्पीक और दूसरा राइट टू वोट, ये दो प्रिविलेजेस एमपीज को मिलते हैं अंडर दिस आर्टिकल 105 एंड 194। अब इसकी कहानी शुरू होती है 1993 से। ठीक है, इसकी जो कहानी शुरू होगी वो शुरू होगी 1993 से। 1993 में क्या हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे थे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, जब अपोजिशन को लगता है कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है, वो हार जाएंगे, वो इस टेस्ट को फेल करेंगे तो सरकार गिर जाती है, अगर सरकार यहां मेजोरिटी ना ले पाए तो। ठीक है, तो यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट मूव किया गया पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के खिलाफ। दो तीन बड़े बड़े केसेस थे। पहला जो बोला गया कि आपने एलपीजी इंट्रोड्यूस कर दिया, इसकी वजह से यहां की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा बाबरी मस्जिद वाला केस हमने पढ़ा था। ये दो तीन बड़े बड़े इश्यूज उस टाइम पे हुए थे जिनको लेकर के अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पर लेके आ गए। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, सरकार को लगा हम हार जाएंगे। उन्होंने अपोजिशन में एक पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके कुछ मेंबर्स को ब्राइब दे दी, पैसे दे दिए कि तुम हमारे लिए वोट कर देना। हर एक मेंबर को उन्होंने कुछ पैसे दिए, ब्राइब दिए, और उसके बाद बोला कि हमको तुम वोट कर देना। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट मेंबर भी थे, उनका नाम था अजीत सिंह, उनको भी बोला कि तुम भी हमारे लिए वोट कर देना, ये लो पैसे। अब इन्होंने पैसे लेकर के, जिनके साथ इनका अलायंस था, जिस पार्टी की पार्टी में थे उनकी बात ना सुन करके इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के लिए वोट कर दिया। ठीक है, पार्टी की बात ना मानते हुए पीवी नरसिम्हा राव के लिए वोट कर दिया, लेकिन वोट किया पैसे लेकर के। अब ये बात गई सुप्रीम कोर्ट कि यहां तो ब्राइबरी चल रही है, खुलेआम डेमोक्रेसी में इस तरीके से पैसे का लेन देन करके वोटों को खरीदा बेचा जा रहा है,
तो 1998 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, 1998 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि एनीथिंग सेड एंड एनी वोट वोटेड अपॉन इन द पार्लियामेंट विल नॉट बी सेड टू बी हर्ड और टू बी इंक्वायर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कुछ भी वो वोट डाल रहे हैं, चाहे वो पैसे लेके ही डाला, चाहे वो ब्राइबरी होने के बाद ही डाला, हम इसको कोर्ट में नहीं सुन सकते। यानी ब्राइबरी इज वैलिड एंड इज अंडर द प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएस। यानी ब्राइबरी भी उनका प्रिविलेज है, वो पैसे लेके वोट डाल सकते हैं। लेकिन मजे की बात यहां है, एक इंडिपेंडेंट मेंबर था अजीत सिंह, उसने पैसे ले लिए, वोट नहीं डाला, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ इसको हम रख सकते हैं ट्रायल पे, क्योंकि वोट डालेंगे तो प्रिविलेज काउंट होगा ना, वोट नहीं डालने से प्रिविलेज काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि दो केस हैं, बोलने पे नहीं होगा, वोट डालने पे नहीं होगा। और वोट नहीं डाला तो हम इसको रखेंगे भाई, इसको तुम आ जाओ भैया आगे, ठीक है। तो ये केस चलता रहा। अब उसके बाद फाइनली अभी 2012-13 में झारखंड में राज्यसभा की सीट के लिए कुछ इलेक्शन होने थे, झारखंड में राज्यसभा की सीट के लिए इलेक्शन होने थे, वहां पर भी एक इंडिपेंडेंट मेंबर से ऐसे ही, जैसे ब्राइब उस टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे उसको भी बोला गया कि आप भी डाल दो, और उसने पैसे लेकर के वोट नहीं डाला, और फिर से केस गया सुप्रीम कोर्ट। अब जो फर्स्ट टाइम जब ये डिसीजन दिया था, तब उस टाइम पे डिसीजन आया था 5 जज बेंच से, कितने जज बेंच थे, 5 जज बेंच। और जब ये झारखंड वाला आया, उस टाइम पे भी पार्टी सेम थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2012 में भी सुप्रीम कोर्ट जब केस गया तो उस टाइम पे 2 जज बेंच बैठे, जिसको हम डिविजन बेंच बोलते हैं, उन्होंने बोला नहीं इसके लिए हमें तीसरे और जज की चाहिए। तो यहां से ये 3 जज बेंच पे गया, अब उन्होंने बोला नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आर्टिकल 105 और 194 इन्वॉल्व है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होनी चाहिए। तो ये केस गया 5 जज बेंच पे। अब 5 जज बेंच के पास जब ये केस गया, उन्होंने बोला कि पिछला डिसीजन आया था वो भी 5 जज बेंच ने दिया था, अगर हमें इससे पलटी मारनी है तो हमें हायर पोजिशन चाहिए, यानी हमें इससे ज्यादा जजेस चाहिए। और उसके बाद इस केस को रेफर किया गया टू दी 7 जज बेंच, और फाइनली 7 जज बेंच ने उस डिसीजन को ओवरटर्न किया और बोला कि ब्राइबरी प्रिविलेजेस में काउंट नहीं होती है, ब्राइबरी प्रिविलेजेस में काउंट नहीं होती है। तो दिस वॉज द केस, ठीक है। तो कभी भी ब्राइबरी को लेके आए कि अगर ब्राइब होने के बाद अगर कोई वोट डालता है तो वो प्रिविलेजेस में काउंट होगा या नहीं होगा, तो वहां पर नहीं लिख के आना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है कि ब्राइबरी इज नॉट काउंटेड अंडर द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, क्लियर है। तो यही चीज है अगर हम यहां पढ़ें, तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 ईयर ओल्ड जो मेजोरिटी ओपिनियन था पीवी नरसिम्हा राव केस में, उसको ओवरटर्न किया है, उन्होंने बोला है ब्राइबरी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, क्लियर है। पहले वाला केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में एस्टेब्लिश किया था कि एमपीज को इम्यूनिटी मिलती है, एमपीज और एमएलएज को, फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन ब्राइबरी केसेस एज लॉन्ग एज दे फुलफिल देयर एंड ऑफ बार्गेन, जब तक उन्होंने पैसे लेके वोट डाले हैं कोई बात नहीं, वो उनके पास प्रिविलेज है, ठीक है, तो कर सकते हैं काम। एंड डिसीजन हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बोले इसमें स्टेबिलिटी इज मस्ट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लीड्स टू पक्का रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेजिडेंशियल फीचर है स्टेबिलिटी,
रेजिडेंशियल गवर्नमेंट का फीचर होता है स्टेबिलिटी, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेबिलिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। बेशक से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर इनस्टेबिलिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन स्टेबिलिटी भी चाहिए। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में जीत जाते तो सरकार गिर जाती, तो इनस्टेबल कंडीशंस हो जाती, लेकिन देश की प्रोग्रेस के लिए स्टेबिलिटी भी चाहिए। और देश उसमें सरकार ने स्टेबिलिटी को ज्यादा मानते हुए इस केस को इन्होंने डिसीजन दिया था कि ब्राइबरी कम्स अंडर द प्रिविलेजेस ऑफ एमपीस। तो उस टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बोला था कि स्टेबिलिटी को भी देखना है, हमें सिर्फ ब्राइबरी नहीं देखनी, हमें स्टेबिलिटी भी देखना है। लेकिन अभी जो ओवरटर्न किया गया तब उस केस में, 2024 का ही केस है, दिस इज कौन सा है कोर्ट का केस का नाम लिखा है, हाँ जेएमएम केस है बेसिकली, ठीक है, जेएमएम केस के नाम से भी जान सकते हैं हम इसको, अदरवाइज उसका नाम भी है पर्टिकुलर, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ नहीं, जो केस का नाम है ना, कोई लेडी है, नाम भूल गया मैं उसका, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो ब्राइबरी है ये इम्पैक्ट करती है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, अभी जो लेटेस्ट वाला है, इसीलिए ब्राइबरी को हम नहीं मानेंगे कि ये प्रिविलेजेस में आती है, ठीक है। एक्सेप्टिंग अ ब्राइब इज अ सेपरेट क्रिमिनल एक्ट, इट डज नॉट काउंट अंडर द प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज अंडर आर्टिकल 105 एंड 194, ठीक है, क्लियर है। तो इस डिसीजन ने जिसको इंपॉर्टेंस दी वो क्या था, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ओवर स्टेबिलिटी, क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ई किसान उपज निधि। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, होता क्या है, एक कॉबवेब फिनोमेना है, सुना है क्या होता है कॉबवेब फिनोमेना, क्या होता है, कॉबवेब होता क्या है बेसिकली, मकड़ी का जाल, उसमें फंस जाते हैं छोटे छोटे मच्छर वगैरह आके, यही हाल फार्मर्स का भी होता है। कैसे होता है, जिस साल किसी भी फसल की अगर हम कहें उपज कम हुई है, उस साल उस फसल के, उस क्रॉप के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ेंगे, जैसे वो महंगे होंगे तो फार्मर्स को लगेगा इसको उगाने में बड़ा फायदा है, और नेक्स्ट ईयर सभी फार्मर्स उसको उगा देते हैं, और जब सब उसको उगाएंगे तो अचानक से उसकी फसल ज्यादा हो जाएगी, उसके प्राइसेस डाउन आ जाएंगे, तो जो फायदा मिलना चाहिए था वो होता नहीं, उल्टा नुकसान हो जाता है। और जब अगले साल जब देखेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं बिक रहा है, अगले साल फिर कोई नहीं उगाता है, फिर अगले साल उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ये जो सर्कल चलता है इसी को हम कॉबवेब फिनोमेना के नाम से जानते हैं। एक साल डिमांड बढ़ेगी लेकिन प्रोडक्शन नहीं होगा, एक साल प्रोडक्शन हो जाएगा डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, उस साल क्या होगा, प्राइसेस कम आ जाएंगे, तो नुकसान होगा फार्मर्स का। एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस जब सीजन होता है उस टाइम पे उस चीज की अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, और उसी वजह से उस टाइम पे जो प्राइसेस फार्मर्स को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते, लेकिन फार्मर्स की मजबूरी है, उसको बेचना है, नहीं तो वो अनाज खराब हो जाएगा। तो इसमें सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, वो सॉल्यूशन निकाला ई किसान उपज निधि। हमारे यहां पर एक मेजर प्रॉब्लम है वेयर हाउसेस की, स्टोरेज हाउसेस की, कोल्ड हाउसेस की, और गांव में तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, गांव में इस तरह के स्टोरिंग के लिए कुछ बनाया नहीं है, तो करें क्या। तो उस टाइम पे किसानों के लिए वो सुविधा देने के लिए स्टोर हाउसिंग की, किसानों को बोला कि तुम्हारी जो उपज है तुम किसी भी उसमें जाकर के जमा कर दो, और वहां पर 7% पर एनम के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बनता है वो तुम पे करो, यानी कुछ रेंट पे करो, और तुम अपनी उपज को वहां रख सकते हो सेफ, ताकि जब तुम्हारी क्रॉप के जो तुम्हें लगता है कि इतना मुझे प्राइस मिलना चाहिए वो प्राइस मिल जाए तब उस टाइम पे उसे तुम बेच देना। तो रेंट पे देने के लिए
ये एक स्कीम निकाली है ई किसान उपज निधि, ताकि फार्मर्स को उस हालात में जबरदस्ती अपनी क्रॉप को ना बेचना पड़े। ठीक है, तो इसमें ये हमारी बेसिकली उसके लिए ई उपज निधि हमने शुरू की है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च दी ई किसान उपज निधि ऑफ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी टू लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर इजिंग फार्मर्स वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक एंड इंश्योरिंग फेयर प्राइसेस। ठीक है, ताकि वेयर हाउसिंग भी हो सके और फेयर प्राइसेस भी उन्हें मिल सके। ठीक है, क्लियर है, और तो इसमें कुछ है नहीं, और इसके लिए कोई कोलेटरल, कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज डिपॉजिट कोई डिमांड नहीं की जाती। ठीक है, तो बस इतना सा इसमें से पता होना चाहिए। ये कहाँ आएगा? प्रीलिम्स में तो पूछेंगे नहीं, कोई ऐसा खास इसमें है नहीं प्रीलिम्स लायक, ये मेंस में आपको यूज करना है कहीं ना कहीं, जहां पर भी फार्मर्स के लिए आप सजेशंस दे रहे हो या इश्यूज बता रहे हो तो आप इस तरह की चीजें वहां यूज करोगे। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज में आपको वे फॉरवर्ड लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्राई आइस। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट से सब निकल रहे थे और उन्होंने कुछ आइस खाई और सब बेहोश हो गए, सुना था? वो आइस उन्होंने धोखे में खाई, उनको लगा है माउथ फ्रेशनर है। ठीक है, वो आइस ड्राई आइस थी। तो ड्राई आइस क्या होती है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है फिर, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये सबलाइम हो करके डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो उन्होंने खाया और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता क्या है? ब्रीथलेसनेस होती है, तो इसीलिए उनको चक्कर आ गए और गिर गए। नहीं, वो दूसरा था, वो बेंगलोर वाला केस है, कुछ और, वो अलग है। हाँ, कुछ और है वो। हाँ, कुछ और था उसमें ना, इनमें तो ये बेहोश हुए थे सारे। ठीक है, ठीक है, तो ड्राई आइस क्या होता है पहले पता होना चाहिए। ठीक है, ड्राई आइस का यूज क्या है? हम ड्राई आइस यूज कहाँ करते हैं? किसी भी चीज को ठंडा रखना हो, ठीक है ना, तो एज ए कूलेंट हम इसको यूज कर लेते हैं, कहीं पे भी इसको ठंडा रखना हो, या फिर क्लीनिंग प्रोसेस में भी ड्राई आइस को यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज में वो पानी से प्रेशर से जब हम साफ करते हैं ना, उसकी जगह ड्राई आइस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई आइस नीचे तो फैलने से रही, गैस में कन्वर्ट होकर अपना चली जाएगी, तो इसीलिए वो ब्लास्ट किया जाता है उसको, और उससे डायरेक्ट जहां पर भी साफ करनी हो वहां पर मारा जाता है, पानी की जगह पे हम इसको यूज कर लेते हैं, तो क्लीनिंग प्रोसेस में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक दो जगह इंपॉर्टेंट जहां एप्लीकेशन है ड्राई आइस की, जो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट विमेन बिजनेस एंड लॉ, एक रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने। ठीक है, कंप्लीटली मेन स्पेसिफिक है ये न्यूज, कंप्लीटली मेन स्पेसिफिक है। विमेन इश्यूज जहां पर भी लिखने हो, वे फॉरवर्ड जहां भी लिखने हो, तो वहां यहां से आप पॉइंट उठा सकते हो, वहां पर लिख सकते हो, इवन इन वर्ल्ड बैंक इन वन ऑफ इट्स रिपोर्ट सजेस्टेड दिस, यहां से उठा के लिख दो पॉइंट। ठीक है, तो क्या क्या इन्होंने बोला है वो हम देखेंगे, कि विमेन रिलेटेड इश्यूज क्या है। सबसे पहले कि विमेन क्यों नहीं आ पा रही है ग्लोबल वर्कफोर्स में, उनका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली इस रिपोर्ट में दिया गया है, कि पॉलिसीज की वजह से ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है पॉलिसीज में, या लीगल साइड अगर हम देखें क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वेमेन्स को पार्टिसिपेशन में, कि वो ग्लोबल वर्कशॉप में वर्कफोर्स में काउंट नहीं हो पा रही, तो वो कुछ इश्यूज इन्होंने आगे दिए हैं जो हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने इंडिकेटर्स जो दिए हैं, सेफ्टी, मोबिलिटी, वर्क प्लेस, पे, चाइल्ड केयर, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट एंड पेंशन,
इन सब पे देखा है कि पेरेंट वीमेन की पोजीशन कहां पर है, इनकी वजह से उनको फायदा होता है कि नुकसान होता है, ठीक है। और उसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर सामने निकल के आए, वन इज सेफ्टी, सेकेंड इज चाइल्ड केयर, जिनकी वजह से वेमेन्स को सफर करना पड़ता है और वर्क फोर्स में वो नहीं आ पाती। जो सबसे बड़े इंडिकेटर्स आए, सेफ्टी एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। सबसे ऊपर अगर हम देखें तो जितनी भी हाई इनकम कंट्रीज हैं, हाई इनकम कंट्रीज का अपना एक ग्रुप है OECD के नाम से, ठीक है ना, हाई इनकम कंट्रीज का जो ग्रुप है OECD, ठीक है। उसमें से जब OECD कंट्रीज का इन्होंने डेटा लिया तो उन्होंने बोला कि वो ऑलमोस्ट सब ठीक है, उनके वहां पर जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो ठीक चल रहा है। जहां पर सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इटली सबसे ज्यादा है 95 पे, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल 92.5 पे। इनका जो ग्लोबल एवरेज आया तो 90 और अबव है 11 कंट्रीज का, टॉप 11 कंट्रीज का 90 एंड अबव आया। वहीं इंडिया की पोजीशन अगर हम देखेंगे इंडिया का स्कोर क्या था 74 पॉइंट। हालांकि पिछले कुछ सालों से इंप्रूव हुआ है, जहां अगर हम 2023 में देखें 126 था, तो अभी हमारा 113वां रैंक है। तो इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है वुमेन पार्टिसिपेशन में, या वुमेन के जो अगर हम कहें जो सोसाइटी में परसेप्शन है उसको लेकर के, तो दैट इज 113। तो इसमें इश्यूज हम देख लेते हैं बेसिकली। सबसे पहले मोर देन 37 कंट्रीज प्रोवाइड वीमेन विद लेस देन हाफ ऑफ लीगल राइट्स। जो मेन को मिलते हैं उससे आधे से भी कम लीगल राइट्स वीमेन्स के लिए अवेलेबल हैं इन मोर देन 37 कंट्रीज, ठीक है ना। लीगल राइट्स भी कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर एक गैप है। देन उसके बाद गैप बिटवीन लीगल रिफॉर्म्स एंड एक्चुअल आउटकम्स, लीगल रिफॉर्म्स एंड एक्चुअल आउटकम्स में, यहां पर अगर हम देखें तो 98 इकोनॉमीज ऐसी हैं जिन्होंने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लेजिस्लेशंस लाए हुए हैं, लेकिन उनमें से भी वो कंट्रीज भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं दे पा रही है। 98 कंट्रीज ने ऐसे रेगुलेशन लेके आए हैं, लेकिन लाने के बाद भी वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज लीगल रिफॉर्म एंड देयर एक्चुअल आउटकम्स, एक्चुअल आउटकम उनका आ ही नहीं रह पा रहा, ठीक है। तो ये हो गया। ओनली 35 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड पे ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, जहां ट्रांसपेरेंट पे को रखा गया, सिर्फ 35 कंट्रीज इनको मिली है। देन उसके बाद कुछ कंट्रीज है जो जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा है, और जनरली तो लो इनकम ग्रुप कंट्रीज है इनमें ज्यादातर अगर हम देखेंगे, ठीक है। देन वीमेन सेफ्टी सबसे ज्यादा वीकनेस है, ग्लोबल एवरेज स्कोर सिर्फ 36 है इसका, ग्लोबल एवरेज वीमेन सेफ्टी में 36 स्कोर है, ठीक है। और मेजर इश्यूज इसमें देखें, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाइल्ड मैरिज, फेमिसाइड। देन उसके बाद 151 इकोनॉमीज में या कंट्रीज में लॉज है प्रोहिबिटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये इंडिया में भी है, इंडिया में भी है प्रोहिबिटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, लेकिन एट पब्लिक स्पेसेस प्रोहिबिट करने के लिए लॉज सिर्फ 39 कंट्रीज में। वर्क प्लेस के लिए सबने लगाया हुआ है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में बहुत कम कंट्रीज हैं जो ऐसा लॉ लेके आए। पब्लिक प्लेस जैसे इन बसेस, इन मार्केट्स, ठीक है, तो आउटसाइड हाउस इन पब्लिक प्लेसेस में भी लॉज होने चाहिए, जो हम यहां से साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी वुमेन रिलेटेड इश्यू में, तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट, आप ये कहीं पे भी लिख सकते हो। देन उसके बाद चाइल्ड केयर में, चाइल्ड केयर का मेजॉरिटी ऑफ बर्डन रिमेन्स ऑन वुमेन्स। चाइल्ड केयर में मेजॉरिटी बर्डन किसके पास रहता है, वुमेन्स के पास रहता है। यहां पर अगर हम एवरेज वर्किंग देखें पर डे के हिसाब से, तो मेन से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर
ज्यादा काम करते हैं विमेंस घर पे। अगर घर के काम में देखें तो विमेंस को जो वर्क बर्डन है वो कहीं ना कहीं 2.5 आवर्स मोर है देन दी मेन। ये ग्लोबल एवरेज है। जो अनपेड वर्क है जिसे हम अनपेड वर्क कह देते हैं घर का काम, ठीक है। देन 78 इकोनॉमीज हैं सिर्फ जहां कुछ फाइनेंशियल और टैक्स सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, कि बच्चे घर में चाइल्ड केयर है तो इसीलिए पेरेंट्स को कुछ टैक्स सपोर्ट दे दो। सिर्फ 78 इकोनॉमीज ऐसा करती हैं और सिर्फ 62 इकोनॉमीज हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दे रही हैं फॉर चाइल्ड केयर सर्विसेज, ताकि जो मदर है छोटे बच्चे की माँ है वो भी काम पे आ सके। उसके लिए चाइल्ड केयर सर्विसेज, ढंग की चाइल्ड केयर सर्विसेज सिर्फ 62 इकोनॉमीज दे रही है, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स क्या है विमेन के लिए वर्कफोर्स में आने के लिए? तो ऑब्स्टेकल सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप में देखकर अगर हम देखें तो जेंडर सेंसिटिव क्राइटेरिया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, बेसिकली इसका सिंपल भाषा में देखें ऑफिस में जो इक्विपमेंट्स है वो जेंडर स्पेसिफिक है ही नहीं। जहां विमेन स्पेसिफिक कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए ऑफिस में वो प्रोक्योर ही नहीं किए जाते बड़े बड़े ऑफिस में, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले ये है, तो रुकावट ही है एक तरीके से, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा कुछ जेंडर सेंसिटिव क्राइटेरिया नहीं है प्रोक्योरमेंट के लिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप में। देन उसके बाद इक्वल पे नहीं है, $1 के अगेंस्ट में सिर्फ 77 सेंट्स अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें, जहां एक मैन को अगर $1 मिल रहा है तो उसी के अगेंस्ट सेम काम के लिए विमेन्स को 77 सेंट्स दिए जाते हैं। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है। देन उसके बाद विमेन टेंड टू लिव लॉन्गर देन मैन, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? ये तो अच्छी बात है, तो फर्क क्या पड़ा इससे? फर्क ये पड़ा कि पेंशन बेनिफिट्स में भी ये फर्क हमें दिखाई देता है कि इक्वल बेनिफिट्स जो मेन को मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो ओल्ड एज में ज्यादा प्रॉब्लम्स विमेन्स को होती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्किंग एज चाइल्ड केयर एक्टिविटीज में विमेन इन्वॉल्व रहती है तो उनका वर्किंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। उसी हिसाब से कभी भी पेंशन जो कैलकुलेट होती है वो वर्किंग टाइम के हिसाब से होती है, कितने सालों तक आपने काम किया। अब वो टाइम रिड्यूस हो गया तो पेंशन भी रिड्यूस हो गई, पेंशन भी कम है और रहना भी ज्यादा साल तक है, तो किसके ऊपर बर्डन पड़ा? विमेन्स के ऊपर, ठीक है। ये भी है, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इन ओल्ड एजेस, क्लियर है। अब इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है? तो अभी हमने देखा इंडिया का रैंक कितना है, वो तो रैंक वो स्कोर है उसका, रैंकिंग इज 113, दैट इज स्लाइट इंप्रूवमेंट ओवर द लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस। पिछले 2-3 सालों से हमारा परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा था, जहां पर 2021 में देखें तो 122 था, फिर 125 हुआ, फिर 126 हुआ, अब हमने जंप किया, थोड़ा इंप्रूव किया अपनी रैंकिंग में और वी हैव कम अप टू 113 रैंक, ठीक है। इंडिया में विमेन्स को 60% ऑफ द लीगल राइट्स मिल पाते हैं जो मेन को मिल रहे होते हैं, ठीक है। लीगल राइट्स में आप प्रॉपर्टी राइट्स भी मान सकते हो, ठीक है। तो 60% लीगल राइट्स ही मिलते हैं जो मेन को मिलते हैं, और ग्लोबल एवरेज अगर हम देखें तो 64 है, तो हम ग्लोबल एवरेज से पीछे ही चल रहे हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में आफ्टर मैरिज इंडिया को फुल स्कोर मिला, ठीक है, तो आर्टिकल 19 पूरा यूज हो रहा है, ठीक है। चलो, इंडिया रिसीव्स वन ऑफ इट्स लोएस्ट स्कोर इन इंडिकेटर एवेल्युएटिंग लॉ इंपैक्टिंग विमेन्स पे। तो जेंडर गैप या फिर गैप इन पेमेंट आर्टिकल 39 हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो जब भी डीपीएसपी के आंसर लिखो तो वहां पर ये लिखना है कि हमारा ये स्टेट को डायरेक्टिव है कि वी हैव टू अचीव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लेकिन हम अचीव नहीं कर पा रहे, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बोला है कि इंडिया ने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के स्कोर में सबसे लोएस्ट स्कोर किया। When it comes to supportive frameworks, India score higher than the global and
ठीक है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क हमारा यहाँ पर ज्यादा। रिकमेंडेशन क्या बोला, कैसे करें अब इसको ठीक? तो उन्होंने बोला सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें खत्म करो। अगर जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं और जो प्रैक्टिसेस उनको खत्म कर दिया जाए तो ग्लोबल जीडीपी 20% तक बढ़ सकता है। अगर वेमेन भी इक्वली पार्टिसिपेट करें ग्लोबल वर्क फोर्स में तो ग्लोबल जीडीपी कैन राइज अप टू 20% ऑफ द प्रेजेंट स्टेटस। देन एडिक्वेट सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, जहां पर हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया या फिर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, जो लॉ बनाए जा रहे हैं उसका एनफोर्समेंट भी उसी तरीके से हो, हेल्थ केयर सर्विसेज उस तरीके से इंप्रूव की जाए, तो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क को मजबूत कर पाएंगे। और सपोर्टिंग फ्रेमवर्क को मजबूत कर पाए तो वुमेन्स को हम वर्कफोर्स में ला पाएंगे। देन एक्सेलरेट एफर्ट्स टू रिफॉर्म लॉज दैट एम्पावर वुमेन टू वर्क एंड दैट एम्पावर वुमेन टू स्टार्ट बिजनेसेस। तो इस तरह के लॉज को लाने की जरूरत है जो वुमेन्स को एम्पावर करते हैं, ठीक है। जैसे स्टैंड अप इंडिया में या स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से और लॉज की हमें जरूरत है जो एम्पावर करें वुमेन्स को टू पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स एंड टू स्टार्ट अ बिजनेस। क्लियर है? देन वुमेन्स का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस है जो इन्होंने दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे सजेशंस है जो हम सोसाइटी पढ़ रहे होंगे तब हम पढ़ेंगे, तो जब हम वुमेन रिलेटेड इश्यूज पढ़ेंगे तब वो कॉम्प्रिहेंसिवली एक साथ कवर करेंगे उनको, ठीक है। लेकिन ये इनपुट्स वहां पर याद रखने कि हमने ऐसा भी कुछ पढ़ा था, ठीक है। देन उसके बाद गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, अमूल सुना है, इसी के अंडर काम करती है। अमूल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, तो इसी के अंदर काम करती है, तो उसी का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है। तो इसके लिए हमें अमूल की थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अमूल कब सेटअप हुई थी? 1946 में तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड हुई थी, ठीक है। जगह गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट आनंद नाम की जगह है गुजरात में, यहां पर ये सेटअप हुई थी। इसीलिए जब अमूल का फुल फॉर्म पढ़ोगे तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड सेटअप हुई थी आनंद में, ठीक है। फाउंडेड बाय त्रिभुवन दास बाय द सपोर्ट ऑफ मोरारजी देसाई एंड वल्लभभाई पटेल। 1950 में फिर फाइनली अमूल बनाया गया था एज ए ब्रांड फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कोऑपरेटिव। ये जो कोऑपरेटिव बनाई इन्होंने ब्रांड नेम रखा अमूल, और इस ब्रांड नेम के अंडर उन्होंने मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, और इसको मैनेज किया जाता है बाय द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा। और ये किया किस लिए गया था? स्मॉल जो जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक साथ ला करके उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव भी एक साथ जोड़ा जाए और उस मिल्क को जहां जरूरत है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सप्लायर को जिनको जरूरत है उससे मिलाने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्होंने बना दी, ठीक है। और इंडिया में जो मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ था उसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। किसने शुरू किया था? फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड किसे बोला जाता है? वर्गीज कुरियन, ठीक है। वर्गीज कुरियन को यह श्रेय जाता है ऑपरेशन फ्लड का, जहां पर हम मिल्क डेफिशिएंट कंट्री से मिल्क सरप्लस कंट्री में बदल गए, और इंडिया आज के टाइम पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, ठीक है। इट इज ऑल ड्यू टू द ऑपरेशन फ्लड, और इन्होंने उसी आनंद पैटर्न को देखते हुए जो भी सप्लायर से उनको जिनको रिक्वायरमेंट है उनसे जोड़ने का काम किया, छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाया जा सके, ठीक है।
तो डेयरी डेफिशिएंट से हमने ग्लोबल लीडर के रूप में हमने चेंज देखा। तीन फेजेस में काम हुआ। फर्स्ट फेज हमारा 1970 से 80 के बीच में है, जहां पर यूरोपियन यूनियन ने कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स हमारे पास भेजे सहायता के लिए और उसको सेल करके हमने उसको शुरू किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सहायता से। इसके अंदर तो ऑपरेशन फ्लड लिंक टू 18 मिल्क शेड क्या होता है, वाटर शेड एरिया क्या होता है, वाटर शेड ये क्वेश्चन आया था पिछली बार यूपीएससी में 2023 में प्रीलिम्स में कि वाटरशेड का मीनिंग क्या होता है, पढ़ोगे अभी ज्योग्राफी में। वाटरशेड बेसिकली होता है जहां जहां से पानी कलेक्ट होकर रिवर में आता है, रिवर में जहां जहां से पानी कलेक्ट होकर उस रिवर में आ रहा है वो उस रिवर का वाटरशेड एरिया है। तो मिल्क शेड क्या हुआ, जहां जहां से हम मिल्क को कलेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने 18 ऐसे मिल्क शेड बनाए, कलेक्शन पॉइंट्स बनाए, जहां जहां मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं उनको उन्होंने मिल्क शेड बोला कि यहां से हम कलेक्ट करते हैं और उसको फिर कहां से जोड़ा, आउटलेट से, कि कहां पर आउटलेट होंगे, शहरों में आउटलेट खोल दिए, वहां से कलेक्ट किया और शहरों में बेचना शुरू किया। ये पहला फेज था जहां पर 18 मिल्क शेड बनाए गए थे, और सेकंड फेज में उसको हमने 136 मिल्क शेड बनाया, यानी कि जहां जहां से मिल्क कलेक्ट करना है वो एरियाज को और ज्यादा एक्सपेंड किया और बेचा कहां, अलग अलग कंज्यूमर्स को, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो या किसी और बड़ी सिटी में, वहां ले जाकर के सप्लाई करनी शुरू की। और फिर उसके बाद फेज थ्री हुआ 1985 से 1996, जहां पर 30,000 और नई डेयरी मिल्स डेयरीज खोली थी और अराउंड 173 मिल्क शेड यहां पर हो गए थे हमारे पास, जो अपने पीक पे थे। ठीक है, तो ये एक फेज है, तीन फेज में हमारा ऑपरेशन फ्लड चला था। तो ऑपरेशन फ्लड इज लिंक टू मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी याद रखना कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और इसी को हम व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग रिवॉल्यूशन से जो आप पढ़ेंगे, पिंक रिवॉल्यूशन क्या होता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, ब्राउन रिवॉल्यूशन अलग अलग है, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन है हमारा ऑपरेशन फ्लड। और उसके बाद फिर ऑपरेशन फ्लड के बाद हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, प्राइवेट सेक्टर को भी आने दिया कि तुम भी आओ, तुम भी अपनी सोसाइटी बनाओ या कैसे भी करके कंपनी बनाओ और मिल्क सेक्टर में काम करो। तो उसके बाद 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए और उसके बाद हमने 51% तक फॉरेन इक्विटी भी, जो FDI की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अलाउड किया इसमें आफ्टर LPG reforms. ठीक है, देन उसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर आया था, जिसके आधार पर अभी फिलहाल कंप्लीट जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिल्क का, वो इस ऑर्डर के तहत पे देखा जाता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन ऑर्डर। फिलहाल इंडिया की रैंक फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 24% जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है 24% इंडिया करता है, पूरे वर्ल्ड में जितना मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 24% अकेला इंडिया करता है। और टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर इंडिया में करें तो राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। चैलेंजेस डेयरी सेक्टर के द्वारा जो फेस किए जाते हैं आज के टाइम पे क्या क्या है, सबसे पहला यील्ड बहुत कम है, एक एनिमल से बफेलो हुआ, काउ हुआ, उससे जितना मिल्क निकलना चाहिए वो उतना नहीं है जितना फॉरेन ब्रीड्स देती हैं। तो सबसे पहला तो यील्ड बहुत कम है, उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, या तो उनको उतना अच्छा फॉडर नहीं मिल पाता, फीड नहीं मिल पाती है, या फिर ब्रीड की क्वालिटी में भी इश्यूज हो सकते हैं, या फिर वेटनरी केयर का भी लैकिंग हम कह सकते हैं। तो ये इश्यूज हैं। अगर हम यील्ड कम बता रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो ये सब रीजन हो सकते हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम है, तो ब्रीड को इंप्रूव करो, फॉडर इंप्रूव करो, वेटनरी हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करो, ये सजेशन में आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद मिल्क कलेक्शन और प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है। प्रोसेसिंग अपने आप में बहुत ही जटिल प्रक्रिया है,
बहुत ही मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। और ऐसे में अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ऐसी कोई बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो बना नहीं पाए। ठीक है, तो इसमें भी और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है ताकि हम इस प्रोसेस को सॉल्व कर सकें, इस प्रोसेस को सिंपल कर सकें। ठीक है, तो मिल्क कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग भी अपने आप में एक इशू है। देन उसके बाद एडल्ट्रेशन, मिलावट, ये भी इंडिया में बहुत बड़ा इशू है। देन उसके बाद प्रॉफिट डिस्पैरिटीज, जिस गांव वाले से वो दूध खरीदते हैं उसको देते हैं 30 से 40 रुपए पर केजी और बेच रहे हैं 60 से 65 में, तो जो फायदा प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो ये प्राइस या फिर प्रॉफिट डिस्पैरिटीज है जिसकी वजह से वो मोटिवेशन उन्हें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो डिस्करेज होता है। तो एनकरेजमेंट के लिए ये प्राइस डिस्पैरिटी को दूर किया जाना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद कैटल हेल्थ चैलेंजेस हैं, बहुत सारे नए नए डिजीज आप सुनते रहोगे न्यूज में कि अभी एनिमल्स में ये डिजीज आ गया, अभी ये डिजीज आ गया, अभी रिसेंटली फूट एंड माउथ डिजीज चल रहा था, देन ब्लैक क्वार्टर बेसिकली इन्फेक्शन था, इन्फ्लुएंजा, ये सारे अलग अलग डिजीज हैं जो एनिमल्स में हम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से डेयरी सेक्टर वीक होता है। तो इन सबको इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमें वेटनरी केयर को सुधारने की जरूरत है, फीड क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी फीड होना चाहिए। देन उसके बाद फॉडर भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, तो ये सारे इश्यूज हम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मिल्क कलेक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बनाए जाने चाहिए। हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखें तो कैन में लेके जाते हैं, कई बार गर्मियों में लाते लाते दूध फट जाता है घर तक, है ना, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो वो भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। R&D तो हर जगह पे, ठीक है, R&D आप ब्रीड में भी कर सकते हो, उस ब्रीड को कैसे इम्प्रूव किया जाए कि हमारा जो मिल्क यील्ड है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो वो सारी चीजें। देन उसके बाद कोऑपरेटिव्स को भी और ज्यादा प्रमोट करो, अमूल जैसे और एग्जांपल्स की हमें जरूरत है। जैसे अमूल आज एक बड़ा नाम है, ऐसे ही हमें और बड़े नामों की जरूरत है इंडिया में, ताकि हम इस सेक्टर को और ज्यादा अच्छे से भुना सके। क्लियर है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ ऐप बाय गूगल, बहुत सारी ऐप हटा दी थी इंक्लूडिंग मैट्रिमोनियल ऐप एंड भारत पे नहीं था, हाँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी, ठीक है, भारत मैट्रिमोनियल, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये सब ऐप हटा दी। क्यों हटाई? गूगल बोलता है तुम कंज्यूमर से चार्ज करते हो, मुझे तो कुछ देते ही नहीं हो। तो गूगल ने अपनी फीस रखी हुई है, अब इशू ये है गूगल ने फीस अपनी बहुत ज्यादा रखी है, जिसकी वजह से एक सेकंड, ये भी तभी सुन लेता है गूगल, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मेहनत हम कर रहे हैं वो सिर्फ फीस ले रहे हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। ऐसे में दिक्कत कहां आ रही है, जब भी मोनोपोली होगी तो वो अपने हिसाब से अपनी फीस डिसाइड कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई स्टोर है ही नहीं। एंड्रॉइड अगर हम देखें तो कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, सब गूगल मोनोपोली चल रही है, कोई भी मोबाइल ले लो उस पर सब गूगल के एप्स मिलते हैं, तो मोनोपोली है, और मोनोपोली होगी तो अपने हिसाब से फीस को डिसाइड कर सकता है। ठीक है, और वो फीस डिसीजन वो लेता है, और जो फिर बाद में यूजर्स को जो गूगल प्ले स्टोर पे अपनी ऐप डालते हैं उन्हें लगता है कि फीस ज्यादा ले रहा है, वो तो लेगा, मोनोपोली है। और इसी को लेकर के वर्ल्ड में और इंडिया में इश्यूज चल रहे हैं, एप्पल को लेके भी सेम इश्यूज हैं, यूरोपियन यूनियन और यूएसए। अभी रिसेंटली आपने लास्ट वीक में ही देखा होगा यूएसए ने ट्रायल शुरू कर दिए हैं अगेंस्ट दी एप्पल, उसकी मोनोपोली चल रही है वहां पर, उस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए, और यही सेम इश्यूज इंडिया में भी चल रहे हैं। ठीक है, गूगल को लेकर के, और गूगल अगर हम इंडिया में मोनोपोली को लेकर चले तो मोनोपोली के अगेंस्ट ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए जाने के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी एक बॉडी काम करती है जिसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में ऑलरेडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया,
और इसी ने फाइन लगाया है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस पे गूगल पे, और उसके बाद रिस्टोर भी किया गूगल ने, सभी ऐप को दोबारा रिस्टोर किया। ठीक है, इंटरनेशनल अगर हम देखें तो एप्पल भी इस तरह की इश्यूज फेस कर रहा है, गूगल तो फेस कर ही रहा है, यूरोपियन यूनियन और यूएस एप्पल और गूगल दोनों के पीछे पड़ गए ताकि ये मोनोपोली को ब्रेक कर सके। तो मोनोपोली होने से इश्यू क्या होते हैं, तो सबसे पहले मोनोपोली के फीचर्स देख लेते हैं कि जब भी मोनोपोली होगी तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एक सिंगल सेलर होगा, प्रोड्यूसर होगा, उसके अलावा कोई होगा नहीं। उसकी वजह से बैरियर्स अपने आप ही बैरियर्स, क्योंकि इस लेवल पे पहुंच चुका होगा नए वाले को आने नहीं देगा वो। ये हाई बैरियर्स किसके लिए है, न्यू एंट्रेंट्स के लिए। कोई नया उस फील्ड में कदम रखना चाहता है उसके लिए बैरियर इतना बड़ा बना देगा कि वो एंट्री नहीं कर पाएगा, तो अपने आप ही मोनोपोली बरकरार रहेगी, उसको तोड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट, नो सब्स्टिट्यूट, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कंज्यूमर्स के पास। मार्केट पावर और प्राइसिंग कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा, अपनी मर्जी से अपना प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं, मार्केट को कैसे चलाना अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन में कोई है ही नहीं। एंड देन उसके बाद इन्फ्लुएंस और सप्लाई, कितना सप्लाई करना है कितना नहीं करना वो भी अपने हिसाब से चलाएंगे। उनको लगता है कि ज्यादा अगर सप्लाई कर दिया तो प्राइस कम करना पड़ेगा, इसीलिए सप्लाई को भी रेगुलेट करते हैं ताकि उन्हें हाई प्राइस मिलता रहे, तो सप्लाई के ऊपर भी उनका कंट्रोल रहता है। अब जब कॉम्पिटिटिव प्राइसेस की बात कर रहे हैं, मोनोपोली की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले प्रेडेटरी प्राइसेस। प्रेडेटरी प्राइसेस क्या होते हैं, जियो जब आया, आते ही सबसे पहले उन्होंने फ्री में सब कुछ बांटना शुरू किया, दैट वॉज प्रेडेटरी प्राइसेस, उसको हम प्रेडेटरी प्राइसेस कहते हैं। जो उसकी कॉस्ट है उससे भी कम में उस चीज को सप्लाई करना, टू डिस्टरप्ट द मार्केट, टू डिस्टरप्ट द ट्रेड प्रैक्टिसेस, इज कॉल्ड एज प्रेडेटरी प्राइसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्टल्स। कार्टल्स क्या होते हैं, एसोसिएशन। जब एक ही चीज को बनाने वाले लोग आपस में एसोसिएट कर लें, उसको हम कार्टल कहते हैं। जैसे ऑयल कार्टल्स बने हुए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने अपनी ग्रुपिंग बनाई हुई है, उनको लगता है जब भी प्राइस कम होता है तो अपने आप आपस में डिसाइड करते हैं कि इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं तो इसका ऑयल का प्राइस और कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑयल कार्टल्स बने हुए हैं, अलग अलग कार्टल्स बनते हैं, बिजनेस ग्रुप्स बनते हैं, कार्टल्स बनते हैं जो डिसाइड करते हैं इससे। जैसे मार्केट में चले जाओ किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के, सारा मार्केट एक हो जाएगा कि इससे कम में तो हम बेचेंगे ही नहीं, दैट इज कार्टल्स, वो कार्टल होता है। फिर मर्जर होता है, एक ही टाइप की प्रोड्यूसिंग कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है कि अकेले अकेले तो हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो मर्जर होता है। देन उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये कब होता है, जब एक व्यक्ति के लिए अलग प्राइस, दूसरे के लिए अलग प्राइस। ठीक है, जब डीसी पहुंच जाए दुकान में, बोले साहब आप तो ले जाओ, आपके लिए तो फ्री है। ठीक है, और बाकियों के लिए अलग प्राइस, दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगला है प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट्स, जब आपस में फिक्स कर लें कि हम इसका आपस में मिलकर के इससे कम में बेचेंगे ही नहीं, तो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं सब मार्केट वाले, ये प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट है कि अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो कम से कम इतने में करेंगे, आपस में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं ये सब आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं, ये होता है प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट। तो इंडिया में कुछ ऐसा हुआ जो इस मोनोपोली को ब्रेक कर सके, तो हुआ है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, और वो बनाया गया है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एक्ट 2002। तो इंडिया में कंपटीशन एक्ट 2002 है जो कंपटीशन को बनाए रखने के लिए, मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए काम करता है, और इस एक्ट ने उस लॉ को रेगुलेट करने के लिए, उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए जो बॉडी बनाई, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द पावर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, इसमें अभी हमने रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट करने की कोशिश की, एक बिल लेके आए 2022 में,
अभी कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस नहीं है जो हम यहाँ बता सकें या अभी उसके बारे में डिस्कस करने लायक ऐसा कुछ खास है नहीं, तो बस पता होना चाहिए कि अभी उसको हम अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नए जो चैलेंजेस आ रहे हैं, नए जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, हम उसको भी इंक्लूड कर सकें इस एक्ट के अंदर। ठीक है, अब इसी में अगर मान लो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डर दे दिया और किसी कंपनी को उससे दिक्कत है कि हम तो फेयर प्रैक्टिसेस कर रहे थे, तुमने जबरदस्ती हमारे खिलाफ ही ऑर्डर दिया, तो वो कहां जाए शिकायत लेके? तो उसके लिए भी कुछ एजेंसीज होनी चाहिए। पहले उसके लिए होता था कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, पहले होते थे, मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, एक बार पहले मैंने बताया इसके बारे में। किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो कोर्ट सेटअप किए जाते हैं उनको हम ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड कोर्ट होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। तो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया में उस फील्ड में जब भी कोई इशू आएगा तो उससे रिलेटेड कोई कोर्ट होना चाहिए, तो वो ट्रिब्यूनल है। और एपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि अपील के द्वारा वहां जाया जा रहा है, अपील के द्वारा वहां जाया जा रहा है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी ऑर्डर पास कर दिया, उसके खिलाफ अपील करनी है, तो वी विल गो टू कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। और अभी फिलहाल ट्रिब्यूनल्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रिब्यूनल हो गए थे, लोग ही कंफ्यूज थे किसमें जाएं किसमें ना जाएं, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को बंद किया गया। और अभी ये जो कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल था इसको बंद करके हमने मिक्स कर दिया बाय अंडर नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल एनक्लेट। तो अभी अगर इसके खिलाफ अपील करनी हो तो कहां जाएंगे, एनक्लेट में, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, पढ़ेंगे एनक्लेट के बारे में जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे, तो इकोनॉमी में इसका काम आएगा। ट्रिब्यूनल्स को स्टेट ही बनाएगा, कोर्ट हम आदमी तो बना ही नहीं सकते, किसी एक्ट के द्वारा बना ही नहीं सकते, वो स्टेट ही बनाता है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स में जब हम पढ़ेंगे तो दो टाइप की ट्रिब्यूनल होती हैं, एक तो कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और दूसरी है अदर टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स, दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे उसके बाद इसको ट्रिब्यूनल्स को पढ़ेंगे पॉलिटी में। ठीक है, देन इंटरनेशनल इनिशिएटिव अगर हम देखें तो ओईसीडी भी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए कि कॉम्पिटिटिवनेस बना रहे और मोनोपोली ना हो, उसके लिए काम कर रही है। देन उसके बाद अंगटेड है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी उसी लिए काम करती है। ठीक है, देन उसके बाद एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क है, ये वर्ल्ड में जितनी कॉम्पिटिटिव के लिए जितनी अथॉरिटीज बनाई जाती हैं, जैसे इंडिया में सीसीआई है, ऐसे किसी और देश में कोई और बॉडी होगी, तो उन सब ने मिलाकर के अपना एक इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क बनाया हुआ है। ये सब आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती हैं कि हम यहां पर मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तुम भी ये कर सकते हो। तो आपस में ये अपना शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करती है ताकि मोनोपोली को ब्रेक किया जा सके, कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखी जा सके। तो उसके लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क है। देन उसके बाद डब्ल्यूटीओ भी, डब्ल्यूटीओ के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे जब हम एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एओए है इसका एक, जो बेसिकली सब्सिडीज को वो एक ट्रेड डिस्टॉर्शन के लिए वो मानते हैं कि सब्सिडी दे करके आप मार्केट ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसके लिए डब्ल्यूटीओ बहुत सारे उसका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो डब्ल्यूटीओ भी कहीं ना कहीं कंपटीशन कि वर्ल्ड में जो ट्रेड कंपटीशन है वो बना रहे, उसके लिए प्रयास करता है। तो अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ये दो तीन बॉडीज हमें पता होनी चाहिए, ओईसीडी पता होना चाहिए, अंकटेड पता होना चाहिए, और डब्ल्यूटीओ पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद आईसीएन, और इंडिया में सीसीआई, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और एपेलेट ट्रिब्यूनल एनक्लेट अभी फिलहाल। देन उसके बाद एट्थ, ये सिर्फ नाम पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि एक दो तीन टर्म के नाम दे देंगे और उसके बाद समटाइम्स हर्ड इन द न्यूज दीज आर रिलेटेड टू, नीचे ऑप्शन होंगे, तो इसीलिए कुछ नए नए टर्म्स आए जो आजकल इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है तो पता होने चाहिए। तो क्लॉड 3 बेसिकली ये भी एक AI मॉडल है, जैसे चैट GPT है,
जैसे जेमिनी है वैसे ये भी एक एआई मॉडल है, पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज चक्षु एंड डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, इनका भी नाम पता होना चाहिए। चक्षु क्या है पता होना चाहिए, और ये आप सबके यूज के लिए भी है इसलिए भी पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी फ्रॉड कॉल आती है उसको रिपोर्ट करना होता है, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए हम चक्षु पोर्टल पर जा सकते हैं। संचार साथी एक पोर्टल है, किसी का मोबाइल लॉस हो जाए तो वहां पर रिपोर्ट करते हैं और वो ट्रैकिंग पे लगाते हैं, मिल जाए तो वहीं से इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। उसी संचार साथी पोर्टल में एक चक्षु पोर्टल भी खोला है, किसी भी तरह का फ्रॉड की कोई भी कॉल आती है इस तरह की कॉल्स को आप यहां पर रिपोर्ट कर सकते हो। तो चक्षु पोर्टल इज रिलेटेड टू संचार साथी तो है ही, फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटीज उनको रजिस्टर करने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, तो किसी भी तरह का फ्रॉड हो आप यहां पे इंफॉर्म कर सकते हो। और फिर उसके अलावा दूसरा है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ये भी बेसिकली जितने भी हमारे डेटा शेयरिंग जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो बैंक है चाहे सिम वाले हैं, वो सब आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हमने बनाया डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ताकि कोई भी अलग चीज हमें दिखाई दे तो उस प्लेटफॉर्म पे वो आपस में शेयर कर सकें। ये नॉन पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये नॉन पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ताकि मिसयूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज से बचाया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बनाया। ठीक है, तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए। जब भी आप डेटा को प्रोटेक्शन की बात करो तो वहां पर ये चीजें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, डेटा प्रोटेक्शन में। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी में। ठीक है, तो वहां पर ये लिख सकते हो। देन उसके बाद ग्लोबल सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम। ठीक है, सबसे पहले विमेन्स में जो कैंसर हो रहा है उसमें फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, तो विमेन्स कैंसर में फोर्थ लार्जेस्ट डिजीज अगर हम देखें तो सर्विकल, सर्विकल बोलते हैं सर्विकल बोलते हैं सर्विकल सर्विकल। ठीक है, सर्विकल कैंसर। ठीक है, ये है क्या चीज, फीमेल जेनिटल से वूम तक ये कैंसर होता है। ठीक है, तो फीमेल जेनिटल्स में होने वाला कैंसर है, और ये होता किसकी वजह से है, ये होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV जिसे हम बोलते हैं, इस वायरस की वजह से ये कैंसर होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्विकल कैंसर किस चीज से रिलेटेड है, कौन से वायरस से रिलेटेड है, तो ये वायरस पता होना चाहिए। ऑटोमेटिकली जब भी वायरस होता है कई बार ऑटोमेटिकली अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन जब नहीं होता है इट फॉर्म्स इनटू एन कैंसर, इट फॉर्म्स इनटू एन कैंसर। और इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि एवरी 5 ईयर, उससे भी कम बल्कि एवरी 3 ईयर इसका चेकअप होना जरूरी है और लैब में इसकी टेस्टिंग होनी जरूरी है, और ये रिकमेंड किया जाता है टू एवरी वुमन। ठीक है, और इसके लिए बेसिकली एक फोरम बनाया है ताकि इसके लिए फंडिंग इकट्ठी की जा सके और इसके लिए इसके उपचार के लिए कुछ किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए फोरम बनाया हमारा ग्लोबल सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम, रैंक्ड एज फोर्थ मोस्ट प्रीवेलेंट कैंसर अमंग वुमेन ग्लोबली, और क्लेम्स है वुमेन्स लाइफ एवरी टू मिनट्स ग्लोबली, हर 2 मिनट में किसी एक वुमेन की लाइफ इस कैंसर की वजह से जाती है ग्लोबली, हर 2 मिनट में। ठीक है, तो इसकी सीवियरिटी कितनी है, और अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस हैं जो न्यूज़पेपर में आए हैं इससे रिलेटेड, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना, क्योंकि न्यूज़ में आ रहा है तो UPSC की नज़र भी पड़ती है। तो एक तो वायरस का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और इसके लिए बेसिकली WHO स्ट्रेटेजी है 2020 में हमने लॉन्च की थी, जहां पर WHO बोलता है 2030 तक हम इसे एलिमिनेट करेंगे।
और उसी में उन्होंने बोला है कि 2030 तक हम 90% ऑफ गर्ल्स को वैक्सीनेट करेंगे अगेंस्ट HPV बाय द एज ऑफ 15, 15 की एज से पहले ही 90% गर्ल्स विल बी वैक्सीनेटेड बाय 2030। देन उसके बाद 70% ऑफ वुमेन स्क्रीन्ड विद अ हाई परफॉर्मेंस टेस्ट बाय एजेस 35 एंड 45, इनको हम टेस्ट करेंगे 35 से 45 की। देन उसके बाद 90% ऑफ वुमेन विद सर्विकल डिजीज रिसीव ट्रीटमेंट, ये भी इनका इसमें एक प्रॉमिस है, टारगेट है, ठीक है। तो ये कुछ हमें पता होना चाहिए और यही इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि बाय द एज ऑफ 21 फर्स्ट टेस्ट करवाना चाहिए, देन आफ्टर 30 एवरी 3 ईयर टेस्टिंग जरूरी है। देन राइजिंग डिमांड ऑफ कॉपर, अभी रिसेंटली राइजिंग डिमांड ऑफ कॉपर के ऊपर बहुत सारा था और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2022 से 16% ज़्यादा डिमांड है कॉपर की। कॉपर का यूज़ अगर हम देखें तो बहुत जगह पे, और आजकल जो हम रिन्यूएबल सेक्टर की बात करते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर में भी कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और उन्हीं सेक्टर के बढ़ने की वजह से, क्योंकि सेक्टर्स इंडस्ट्रियल सेक्टराइज हो रहे हैं, रिन्यूएबल सेक्टराइज हो रहा है, वहाँ पर कॉपर की डिमांड भी बढ़ रही है, तो इसी वजह से कॉपर की डिमांड भी राइज पे है। तो कॉपर का यूज क्या है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए, इसकी एप्लीकेशन, तो इसकी एप्लीकेशन है कंस्ट्रक्शन में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, और ये 100% रिसाइकलेबल मेटल है, इसकी रिसाइकलिंग 100% की जा सकती है, दोबारा से यूज में लाया जा सकता है। और इस तरह के स्टेटमेंट यूपीएससी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली यूपीएससी पूछता है। यहां लिख देगा कि कॉपर इज 75% रिसाइकलेबल मेटल या फिर नॉट 100% रिसाइकलेबल मेटल, तो पता होना चाहिए कॉपर इज 100% रिसाइकलेबल मेटल, ठीक है। और ये जितने भी क्लीन एनर्जी का हम काम बात कर रहे हैं, हर जगह पे कॉपर का यूज होता है, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, चाहे एनर्जी एफिशिएंट मैटर्स हो। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी ही ऐसी है, ठीक है। क्वालिटी में अगर हम देखें तो मैलिएबल है, मैलिएबल क्या होता है, साइंस पढ़ी होगी सबने, ठीक है। उसको बिल्कुल पतली सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट मेकिंग या फिर विदाउट देम ब्रेकिंग, ठीक है, टूटेंगे नहीं, पतली सीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन दे हैव डक्टाइल, दे आर डक्टाइल, इसका मतलब कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर, उनको खींचो टूटेंगे नहीं, वो वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है। देन उसके बाद करोजन रेजिस्टेंस है, और उसके बाद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। इन सब प्रॉपर्टीज के कारण इसका यूजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसी वजह से डिमांड पे है। तो डिमांड पे है तो इंडिया में होता है कि नहीं होता है हमें पता होना चाहिए, और होता है तो कहाँ कहाँ होता है ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले जो कॉपर हम माइनिंग करके निकालते हैं, अलग अलग टाइप की ऑर्स में आता है, ठीक है। ये सल्फाइड डिपॉजिट्स में ही मिलेगा, सल्फाइड डिपॉजिट्स में जब हम मिलेगा तो यहां पर चालकोपायराइट, बोर्नाइट, चालकोसाइट और उसके अलावा कोवेलाइट, ये नाम पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी नाम से ही पूछते हैं हमेशा कई बार यूपीएससी डायरेक्ट कि इन ओर में से क्या क्या एक्सट्रैक्ट हो सकता है, तो पता होना चाहिए कॉपर होता है। देन उसके बाद कार्बोनेट डिपॉजिट में से, उसमें आप एजुराइट हो गया और मैलेशाइट, ठीक है, यहां से भी कॉपर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद सिलिकेट डिपॉजिट में से भी कर सकते हैं, या फिर कॉपर प्योरली भी मिल सकता है, ठीक है। और इंडिया तो एंशियंट टाइम से कॉपर के लिए जाना जाता रहा है, ठीक है, तो कॉपर हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट है। इसके माइनिंग के दो मेथड है, एक तो ओपन पिट एंड दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग। ज्यादातर जो किया जाता है 80% ऑफ द माइनिंग इज डन बाय ओपन पिट माइनिंग कॉपर के केस में, कॉपर के केस में ओपन पिट माइनिंग ही 80% केसेस में होती है, ठीक है। देन जो ओर निकलती है उसमें कॉपर निकलता है अराउंड 0.8% ग्लोबली जो एवरेज है, इंडिया में उससे थोड़ा बेटर एवरेज है, इंडिया में 1% तक कॉपर निकलता है किसी भी ओर से, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो जो मेजर जो कोल माइंस हैं, सिंहभूम में हो गई, बालघाट,
झुंझुनू और अलवर। एंशियंट टाइम में आप देखेंगे अरावली डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारा कॉपर निकाल के लेके जाते थे, ठीक है। तो आपका सिंहभूम हो गया, और उसके अलावा बालघाट हो गया, झुंझुनू हो गया, अलवर हो गया। उसके अलावा कुछ माइनर डिपॉजिट्स भी अलग अलग जगह पे, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में देख लो, कर्नाटका में देख लो, तमिलनाडु में देख लो, यहाँ माइनर डिपॉजिट्स भी हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, सबसे ज्यादा कॉपर डिपॉजिट चिले कंट्री में मिलते हैं। चिले कहां पर है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट कंप्लीट, बहुत ही लंबी सी कंट्री है, ठीक है, चिले। तो सबसे ज्यादा अगर डिपॉजिट्स हैं कहीं पे तो कहां है? चिले में। ये आप इसी के लिए यहां पर देख सकते हो, सबसे ज्यादा 5.6 मिलियन मेट्रिक टन बेसिकली यहां पर हमें दिखाई देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो नजदीक भी नहीं है कोई, ठीक है। सभी कंट्रीज का मिला करके जो ये कुछ दी हुई है, उसके अलावा 2.8 मिलियन मेट्रिक टन है। ओवरऑल अगर हम कंप्लीट बात करें तो अराउंड दिया इसमें 21 मिलियन मेट्रिक टन पूरे वर्ल्ड में बात करें, और उसमें से 5.6 सिर्फ चिले में, ठीक है। तो चिले में सबसे ज्यादा डिपॉजिट है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? चाइना। और चाइना उसके साथ साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, ये पता होना चाहिए। और इंडिया में जो कॉपर डिमांड बढ़ रही है, किस लिए बढ़ रही है? ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन, देन उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, देन उसके बाद अर्बनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, ठीक है। तो इंडिया में भी इसलिए बहुत डिमांड इसकी बढ़ रही है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब्सिडीज दे रही है। सबसे ज्यादा टॉप प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है ऑफ द, वहां पर सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स हैं, कहाँ है? हाँ, यहाँ से 27, अच्छा 27% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, ठीक है। अदरवाइज चाइना लिखते हैं, अच्छा वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर होगा वो, तो टॉप कंज्यूमर है अलॉन्ग विद वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स, अदरवाइज चिले इज द टॉप प्रोड्यूसर, ठीक है, विद हैविंग 27% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। और वर्ल्ड की जो दो सबसे बड़ी कॉपर माइन है वो भी चिले में ही है, और इंडिया ने इसको क्रिटिकल मिनरल्स में काउंट किया हुआ है, ओइंग टू इट्स इकोनॉमिक क्रिटिकलिटी एंड डिमांड, क्योंकि इकोनॉमिक बहुत ज्यादा यूज है, और दूसरा इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से यहां डिपॉजिट होते हुए भी इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंडिया में कॉपर के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है, जो कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया में। अगर इनिशिएटिव्स की बात करें तो सबसे पहला तो रिफाइनरीज में इंडिया बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, कॉपर रिफाइनरीज में, ठीक है। देन उसके साथ साथ हमारे यहाँ की कंपनीज बाहर जाकर विदेशों में उनको एक्वायर कर रही है माइंस को, कि वहां से प्रोड्यूस करके हम ला सकें। और उसके बाद अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जाम्बिया में एक डेलीगेशन भेजा, इंडस्ट्रियल डेलीगेशन, कि वहां जाकर पूरा रिसर्च करें और वहां की जो कॉपर प्रोड्यूसिंग माइंस हैं, कॉपर माइंस हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट करके कॉपर हम ला सकें, ठीक है। तो जाम्बिया में जब रिलेशन लिखेंगे, या साउथ अफ्रीकन कंट्री हमारे लिए क्यों जरूरी है, वहां पर हम लिखेंगे इस चीज को, ठीक है, कि कॉपर प्रोड्यूसिंग और कॉपर हमारी डिमांड है, ठीक है। जाम्बिया देखोगे तो यहां दिखाई देगा 0.8 मेट्रिक, 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉपर इज इन जाम्बिया। देन वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक है, जहां पर आप पॉवर्टी से रिलेटेड कोई भी डाटा देना हो वहां पर आप वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक कर दे सकते हो, ठीक है। इसने क्या दिया है अभी, कि एक थ्रेशोल्ड इसने काउंट किया, $2.15 पर डे अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो एक्सट्रीम पुअर नहीं है,
इससे नीचे अगर कोई खर्च कर रहा है उसको हम एक्सट्रीम पुअर मानेंगे, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड का जो इसने डेटा रखा है दैट इज 2.5 डॉलर पर डे, उससे नीचे अगर कोई खर्च कर रहा है पर डे उसको उन्होंने एक्सट्रीम पुअर में रखा है। और इन्होंने इंडिया के लिए डेटा दिया है कि इंडिया का जो पॉवर्टी है वो इंप्रूव हुआ है और आज के टाइम पे इंडिया में एक्सट्रीम पुअर सिर्फ 2.4% है। एक्सट्रीम पुअर कितने हैं? 2.4% है, ये इसने पूरा डाटा दिया है। 2022 में 4.69% है, सॉरी 3.3%, और अभी फिलहाल 2.4% है, दैट इज नियरली 3.4 करोड़ पीपल। उसके साथ साथ जब पॉवर्टी के ऊपर लिखोगे, एक तो डाटा ये हो गया कि इंडिया ने इक्वालिटी अचीव कर रहा है, इनकम गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर रहा है, आर्टिकल 39 को अचीव कर रहा है, उसके साथ साथ एसडीजी टारगेट भी दोगे। एसडीजी टारगेट 1 है नो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी, ठीक है। तो एसडीजी टारगेट 1, और उसके साथ नीति आयोग का रिपोर्ट भी आप बता सकते हो जिसमें बताया है कि पिछले 9 सालों में अप्रोक्सीमेटली 24.5 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया, मल्टी डाइवर्सिटी पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है, उसने उन्होंने बताया था कि पिछले 9 सालों में लगभग 24.5 करोड़ लोगों को वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाल चुके हैं, ठीक है। और 2022-23 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अराउंड 11% थी, जो कि 2013-14 में अराउंड 30% के आसपास थी, ठीक है। पॉवर्टी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में डिफरेंस है, क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काउंट होते हैं, ठीक है। घर में चूल्हा है कि नहीं है, एजुकेशन है कि नहीं, एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं कि नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन पॉवर्टी सिर्फ कंजप्शन से रिलेटेड है कि 2.14 डॉलर पर डे खर्च कर रहे हैं तो एक्सट्रीम पावर पुअर नहीं है, अदरवाइज हम उसे एक्सट्रीम पॉवर्टी में मानेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। जो नीति आयोग इंडेक्स निकालता है वो निकालता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एफआईआर एंड जनरल डायरी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों में डिफरेंस फिर से बताया है, और आजकल जो यूपीएससी क्वेश्चंस बना रहा है वो इस तरह के बड़े कॉमन से बना रहा है, जो इन चीजों से पूछ रहा है जो जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो डायरेक्टली पूछेगा एफआईआर और जनरल डायरी में क्या अंतर है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है फिर से कि जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेज कौन से होते हैं ये कई बार बता चुका हूं, वो नॉन अवेलेबल हो गए, विदाउट एनी वारंट जिसमें अरेस्ट किया जा सकता है, वो ऑफेंसेस जिसमें विदाउट वारंट के हम अरेस्ट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मैंडेटरी है एफआईआर, एफआईआर मैंडेटरी है इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, बाकी केसेस में इट इज नॉट मैंडेटरी, क्लियर है। अब फर्क क्या है दोनों में? तो सबसे पहले एफआईआर अगर हम देखें तो एफआईआर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो एफआईआर के बारे में, एफआईआर हैज नोवेयर बीन डिफाइंड, ना वो आईपीसी में डिफाइंड है इंडियन पेनल कोड में, ना ही वो सीआरपीसी में डिफाइंड है, कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर, ना तो सीआरपीसी में डिफाइंड है ना ही आईपीसी में। एफआईआर बल्कि सेक्शन 54 है ऑफ द सीआरपीसी लिखा है इसमें, नहीं एक और है इसके अलावा, हाँ 154 में बेसिकली इसमें इन्होंने बोला है कि इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो उसी को हम मानते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उन्हें हम एफआईआर बोल देते हैं, और एफआईआर इज जनरली द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं,
It is a written document prepared by the police when they receive information about commission of a cognizable offense. उसके अलावा बाकी चीजें जो भी पुलिस स्टेशन में हो रहा है सुबह से शाम तक, उसके लिए वहां एक डायरी होती है जिसको हम जनरल डायरी बोलते हैं। कौन कितने बजे आ रहा है, आकर के उसने क्या किया है, क्या बोला है, कौन यहां से गया है, क्या सामान अंदर आया है, क्या सामान बाहर जा रहा है, हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीजें जिस डायरी में नोट की जाती हैं उसे हम जनरल डायरी बोलते हैं। इंसिडेंट्स जो भी हो रहा है जब तक वो FIR में नहीं लिखा जा रहा है, जनरल डायरी में वो पक्का लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो जनरल डायरी को साइड करो, यू हैव टू राइट द FIR ऑन द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये सुप्रीम कोर्ट केस है जहां पर उन्होंने बोला है कि FIR इज मैंडेटरी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट केस हुए हैं जहां पर उन्होंने बोला है देयर आर सम केसेस वेयर आप जनरल उसमें लिख सकते हो, जनरल डायरी में FIR की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन से केसेस हैं? फैमिली डिस्प्यूट कि आज तो आ गए हैं कल समझौता कर लेंगे फिर से हमें FIR फाड़नी पड़ेगी। ठीक है, कमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंसेस केसेस, करप्शन केसेस, यहां पर FIR फाइल करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत होती है। वो इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ही, जिसको 7 days में कंप्लीट किया जाना जरूरी है, उस इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ही वो FIR लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंक्वायरी। ठीक है, और ये अपनी मर्जी से नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इन ललिता कुमारी केस, उन्होंने एक्सेप्शन दिए हैं कि FIR इन केसेस में लिखा जाना ऑन द रिसिपिएंट ऑफ ऑन द रिसेप्शन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यू डू नॉट हैव टू राइट FIR। उनके लिए पहले एक इंक्वायरी करो और उसके बाद आप FIR लिखोगे। और अभी फिर से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये बोला है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो आपको FIR लिखनी है उस केस में। कोर्ट हेल्ड दैट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजिंग द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड एज एन FIR इन द डेजिग्नेटेड FIR बुक रेदर देन बीइंग डॉक्यूमेंटेड इन जनरल डायरी। और जनरल डायरी जो मेंटेन की जाती है दैट इज मेंटेन्ड अंडर द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। पुलिस एक्ट 1861 में लिखा गया है कि आपको एक जनरल डायरी मेंटेन करनी है, उसमें हर एक एक्टिविटी जो भी पुलिस स्टेशन में लिखी होती है उसको मेंशन करना होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, FIR एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, वो जो भी वहां पर रिपोर्ट लिखाने आता है उसकी कॉपी मिलनी जरूरी होती है, जनरल डायरी की कॉपी नहीं दी जाती, वो उनका अपना डॉक्यूमेंट होता है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं। FIR पे इंडिविजुअल के भी साइन होते हैं, जनरल डायरी पे इंडिविजुअल के साइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है जो पता होना चाहिए। तो जनरल डायरी या रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड इंसिडेंट दैट टेक प्लेस इन अ स्टेशन ऑन डेली बेसिस, और ये बेसिकली पुलिस एक्ट के आधार पर ये मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा एक केस डायरी भी होती है, दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर केस। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो उस केस के लिए जो डायरी लिखता है दैट इज केस डायरी। एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड जो भी चीजें किसी डायरी में नोट डाउन की जाती है वो केस डायरी होती है, दैट इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अभी रिसेंटली हमने एक नया लॉन्च पॉट इनॉग्रेट किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है PM ने, और ये कहां पर है? तमिलनाडु में, कुलशेखरापट्टिनम। ठीक है, इससे पहले हमारे पास जो लॉन्च पैड था, जो हम सैटेलाइट व्हीकल्स लॉन्च करते हैं, उसके लिए इससे पहले था हमारे पास श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में।
ये हमारा था बेसिकली सबसे पहले, जिसको हम श्री हरिकोटा बेसिकली लॉन्च पोर्ट बोलते हैं, और ये है अंडर सतीश धवन स्पेस सेंटर में। अभी उसके अलावा हम दूसरा भी एक और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कुलशेखरा पट्टिनम। ये दूसरा लॉन्च पोर्ट हो जाएगा। फर्क क्या है और क्यों जरूरी है ये पता होना चाहिए हमें सबसे पहले, कि जो भी सैटेलाइट होती हैं वो इक्वेटर के जितना नजदीक होंगी उनको लिफ्ट मिल पाना उतना इजी हो जाता है। इक्वेटर के जितना नजदीक होंगी उनको लिफ्ट मिलना उतना इजी होता है अर्थ की रोटेशन के कारण, ठीक है। तो ये जो भी सैटेलाइट जब हम लॉन्च करते हैं, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, उसको जाना पड़ता है इक्वेटर की साइड। जब यहां से अगर हम करें श्रीहरिकोटा से, तो उसको इक्वेटर भेजना है तो उसको शार्प टर्न लेना पड़ता है टुवर्ड्स द इक्वेटर। डायरेक्ट नहीं जा सकता, डायरेक्ट जाएगा तो लैंडस्केप के ऊपर आएगा, श्रीलंका के ऊपर आएगा, ठीक है। इससे बचने के लिए जो ये मैन्यूवरिंग होती है इसको कुछ स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं डॉग लेग मैन्यूवरिंग। जो शार्प टर्न लेते हैं रॉकेट्स आफ्टर द लॉन्च, उस चीज को बोला जाता है डॉग लेग मैन्यूवरिंग। लिखा होगा इसमें, लिखा है कहाँ है? अच्छा इसमें, हाँ डॉग लेग मैन्यूवरिंग बोलते हैं इसमें, ठीक है। इस डॉग लेग मैन्यूवरिंग में होता क्या है, जब भी रॉकेट को इतनी स्पीड में उसको रोटेट करना तो एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत होती है फिर। तो जब हम ये अपना नया लॉन्च पैड बनाएंगे, लॉन्च पोर्ट जिसे हम कहेंगे, इससे फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला इक्वेटर के नजदीक, दूसरा डॉग लेग मैन्यूवरिंग से बचना पड़ेगा, तीसरा फ्यूल कम लगेगा, चौथा डायरेक्टली हम रूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। और ये जो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए। किसके लिए बना रहे हैं? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अब जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं उसको अगर हम यहां से लॉन्च करते हैं, क्योंकि वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ऑलरेडी हल्का है, उसमें हम फ्यूल ज्यादा डालेंगे तो एफिशिएंसी डाउन आएगी। उस ज्यादा फ्यूल को बचाने के लिए जरूरी है कि हम उसे सीधा लॉन्च करें, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमें एक यहाँ पे लॉन्च पोर्ट चाहिए। उसके साथ साथ हमें हमारे स्पेस सेक्टर को और ज्यादा बढ़ाना है, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो एक लॉन्च पोर्ट उस नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो हमें हमारी कैपेसिटी भी इंप्रूव करनी है, और कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए एक लॉन्च पोर्ट के ऊपर ओवर बर्डनिंग को भी रोकना है, तो उसके लिए हमें सेकंड चाहिए। तो अगर हम इसके आगे देखें, हम धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस जैसे देश में जहां एलॉन मस्क अपनी एक प्राइवेट कंपनी चला रहा है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, इंडिया में ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है। अगर हमें इंडिया में और कंपनीज को लाना है तो उनके लिए एक सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा, वो सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी हम अलग से लॉन्च पोर्ट में दे सकते हैं। जब सरकार की तरफ से इतना उन्हें सपोर्ट मिलेगा तो प्राइवेट कंपनीज भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगी, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप इवॉल्व होगा और उतनी बड़ी कंपनी यहां पर भी बन पाएंगी। इसलिए हमें जरूरी है, और इसीलिए सेकेंड लॉन्च पोर्ट हम यहाँ पे इनॉग्रेट कर रहे हैं, और यही चीजें यहाँ पे लिखी हैं कैपेसिटी और ओवर बर्डनिंग के लिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लॉन्च सर्विसेज, डाइवर्सिफिकेशन से मतलब है कि हम लार्ज जो बेसिकली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, जो ज्यादा भारी मात्रा में सैटेलाइट्स को या फिर हैवी सैटेलाइट्स को लेके जाते हैं, उनके लिए तो ये रख लो, हम एक स्पेशलाइज्ड लॉन्च पोर्ट बनाते हैं जो स्मॉल व्हीकल्स, स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स के लिए। तो यहां स्पेशलाइजेशन अचीव कर पाएंगे, और जब स्पेशलाइजेशन अचीव होता है एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, तो हम एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो हम स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहां दे सकते हैं फॉर SSLVs, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। देन उसके बाद सपोर्ट फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, हम अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रख सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को हम इन्वाइट कर सकते हैं।
इनोवेशन इससे ज्यादा होगी प्राइवेट प्लेयर्स जब आएंगे तो। और सिग्निफिकेंस क्या है इसका पोर्ट का, ज्योग्राफिकल एडवांटेज, इक्वेटर के नजदीक है, डॉगलेग मैन्यूवरिंग करने से बचेंगे, उसकी वजह से ट्रेजेक्टरी ऑप्टिमाइज्ड कर पाएंगे और इक्वेटर के नजदीक जा पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे फ्यूल कंजप्शन को। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट? करंट अफेयर्स रूटीन से बहुत अलग होते हैं, रूटीन जो पढ़ाई करते हैं, तो इसमें कई बार वो सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो इंटरेस्ट की नहीं है, फिर भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है, नहीं तो एग्जांपल कहाँ से लाओगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन में ढूंढोगे एग्जांपल कैसे याद करें। ठीक है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना कितनों ने शुरू किया? कौन सा कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा या पूरा पढ़ लेते हो? शुरू किया? नहीं किया? किसी ने नहीं किया? कोई बात नहीं, अभी एक दो वीक के बाद से एक एडिटोरियल हम यहीं क्लास में पढ़ा करेंगे डेली। ठीक है, एक एडिटोरियल जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम क्लास में कवर किया करेंगे एक दो वीक के बाद से, अभी चल रही है उसकी प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछो। ये तो एक्सेप्शन रहेंगे, इसके लिए जनरल डायरी है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में सीआरपीसी भी बोलता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको जनरल डायरी में नोट मत करो, क्योंकि जनरली क्या होता था पहले कि जनरल डायरी में नोट कर लेते थे, और एक सुप्रीम कोर्ट में आप यहाँ पढ़ोगे तो उसने बोला भी था कि जनरल डायरी में अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को लिखा गया है तो हम उसको भी एफआईआर की तरह ही मानेंगे और उसको भी हम एफआईआर ट्रीट करेंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको एफआईआर अलग से लिखनी पड़ेगी, आप उसको जनरल डायरी में मत करो, जनरल डायरी के लिए और बहुत सारे काम है। ठीक है, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल लेना। ठीक है, करें आज के लिए क्लास खत्म। चलो ठीक।